अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए एक इलेक्ट्रिक ब्लोअर का रिव्यू और उसके अनबॉक्सिंग लेकर आए हैं। तो आज इस वीडियो में हम इस ब्लोअर के बारे में बात करेंगे और उसको इस बॉक्स को ओपन भी करेंगे और इसकी क्वालिटी और इसके फंक्शंस फीचर्स के हवाले से भी मज़ीद बात करेंगे और आपको दिखाएंगे कि ये किस तरह ऑपरेट होता है, किस तरह वर्क करता है। और ये पिछले इसी तरह का हम इससे रिलेटेड ये ब्लोअर एक पिछले 2-3 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है, किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया। तो इसलिए हमने सोचा कि इस वीडियो में हम आपको इस ब्लोअर के हवाले से बताएं और इसके प्राइस के हवाले से भी आपको मज़ीद बताया जाएगा। तो सबसे पहले अगर इसके बॉक्स के ऊपर जो चीज़ें मेंशन हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं फॉरवर्ड कंपनी का प्रोफेशनल इलेक्ट्रिक ब्लोअर है और ये FEB28650 ये कुछ मेंशन है, लेकिन इसका जो मॉडल नंबर है वो आई थिंक ये है F01028। ये इलेक्ट्रिक इस का है, इस मॉडल नंबर, ये मॉडल नंबर है इसका। यहाँ पे आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक ब्लोअर, यहाँ पे इसके कुछ फीचर्स हैं, कुछ इंग्लिश में हैं, कुछ दीगर लैंग्वेजेस में दिए गए हैं। यहाँ पे अगर आप नोट करें तो यहाँ पे आप इस इन्होंने 650 वाट ये कंज्यूम करता है, 2 kg इसका वेट है और यहाँ पे 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज पे ये वर्क करता है। और यहाँ पे इसके आई थिंक RPM बताए हुए हैं, RPM या कुछ और चीज़ों के बारे में यहाँ पे आई थिंक ये इसके 11,000 RPM ये बोल के दिए बताए गए हैं, 11,000 RPM पे ये वर्क करता है। और यहाँ पे इसकी 1 ईयर की वारंटी भी दी जाती है साथ। और अगर इस साइड पे बात की जाए तो यहाँ पर भी मज़ीद उसी हवाले से इन्होंने बताया हुआ है कि इसमें क्या क्या फीचर्स हैं। अगर यहाँ पर देखें तो इधर भी सेम वही चीज़ें मेंशन है, फॉरवर्ड पावर टूल प्रोफेशनल। इस साइड की बात की जाए तो इन्होंने वही चीज़ें हैं, अगर नीचे तो कुछ नहीं दिया गया। तो बॉक्स पे कुछ यही चीज़ें मेंशन की गई थी जो हमने आपको बता दी हैं। तो चलिए अब इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और आपको इसका ओवरऑल लुक दिखाते हैं और उसमें क्या क्या फीचर्स हैं वो दिखाते हैं। तो आपके सामने ही इसको हम ओपन करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि ब्लू कलर का ये इसका नोज़ल है, ब्लू कलर का ये हमें इलेक्ट्रिक ब्लोअर दिया गया है जिसमें कुछ और फीचर्स भी हैं। सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं, फिर बाद में इसके जो मुख्तलिफ फीचर्स हैं उनके हवाले से भी बात करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इसकी ये नोज़ल है जो कि आपको दिखा देता हूँ। ये नोज़ल है जो यहाँ पे हमने इसको फिक्स करना होगा और उसके बाद हम इसको इजीली यूज़ कर सकेंगे। ये इसकी नोज़ल है जो कि साथ इसके दी जाती है। ये इसके आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ लॉक दिए जाते हैं जो कि यहाँ पे लगाते वक्त इन जगहों पर फिक्स हो जाते हैं जिससे ये हिलता नहीं है और ये फिक्स हो जाता है। तो इसके अलावा मज़ीद अगर बात की जाए तो ये आप देख सकते हैं ये ब्लू कलर में बहुत अच्छा कलर है, ये फॉरवर्ड कंपनी का स्टिकर्स दिया गया है, उसकी ब्रांडिंग। और यहाँ पर यहाँ से ये ईयर को सक करता है और यहाँ पे ब्लो करता है। तो ये इसकी मोटर दी गई है। अच्छा, इसके अलावा इसमें ये इसका बटन्स है ऑन ऑफ का, जब प्रेस करेंगे तो ये चलेगा और अदरवाइज़ ये बंद हो जाएगा, लेकिन अगर आप चाहें कंटिन्यूसली चलता रहे तो आप इसको प्रेस करके, यहाँ पे एक बटन दिया गया जिसको आप प्रेस करेंगे तो ये लॉक हो जाएगा। अब ये लॉक हो गया, ये बटन अंदर है, ये लॉक है, ये चलता रहेगा। दोबारा से जब आप इसको एक बार अंदर की तरफ प्रेस करेंगे ऐसे तो ये बटन बाहर आ जाएगा और ये आपका अनलॉक हो जाएगा और ये बंद हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्पीड है इसकी, यहाँ पे 7-6 स्पीड इसकी दी गई हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 तक। तो ये 6 स्पीड तक आपको इसको आप यूज़ कर सकते हैं। हमने यहाँ पे इसको 3 पे रखा हुआ है नॉर्मल एक स्पीड पे। अदरवाइज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसकी कुछ जगह दी गई है
यहाँ पे अगर आप कैमरा देख सके, ये इसके बेसिकली कार्बन्स हैं दोनों साइड्स पे। ये कार्बन्स हैं जो कि आपको एक टाइम के बाद चेंज करने होंगे। जब इसके कार्बन्स ख़त्म हो जाएंगे तो आपको इनको ओपन करके यहाँ पे कार्बन्स को चेंज करना होगा। तो ये इसकी वायर है, वायर बहुत ज़बरदस्त है। ये इसका शू बहुत ज़बरदस्त इसकी वायर है, जो कि आप इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपको इस्तेमाल करने में किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं करेगा। तो इसको हम यहाँ पे रखते हैं। और इसमें बॉक्स के हवाले से मज़ीद बात करते हैं, बॉक्स में क्या दिया गया है। अगर यहाँ पे आप देखें तो ये इसके एक गाइड, यूज़र मैनुअल जिसे कह सकते हैं आप, वो दिया गया है, जिसे आप रीड कर सकते हैं इसके हवाले से, इसके कार्बन कैसे चेंज करने हैं और कुछ मज़ीद चीज़ों के हवाले से भी आप इसमें देख सकते हैं। इसके स्पेसिफिकेशंस के हवाले से भी आप इसी गाइड में, इसी मैनुअल में आप देख सकते हैं। इस गाइड को हम साइड पर रखते हैं, मज़ीद देखते हैं इसके अंदर क्या चीज़ें हैं। ये इसमें कुछ एक ही बैग दिया गया है, जिसके अंदर आपको दिखाएं अगर तो ये कुछ लॉक्स दिए हुए हैं। अब इन लॉक्स का क्या इस्तेमाल है, उस बैग का क्या इस्तेमाल है, तो इसके लिए आपको मज़ीद डिटेल के लिए तो आपको ये रीड करना होगा। बाकी अगर आप कुछ ओवरव्यू दे दें तो वो ये है कि आप इस बैग को इसकी मदद से यहाँ से लगाकर, जो कि हम एक वीडियो बना देंगे इसको कहते हैं यूज़ करना है, इसके यहाँ पे आगे लगाना होगा और वो नोज़ल जो है बैग यहाँ पे लग जाएगा, और वो नोज़ल को आप इस जगह पे लगाएंगे, यहाँ पर भी लॉक्स दिए गए हैं। आखिर ये फिर इधर लगेंगे और आप इसको एज आ सक्शन के तौर पे, एज आ वैक्यूम के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस बैग का ये इसका फीचर है, जिसमें एक जिप भी दी गई है, क्लीन कर सकते हैं, जो डस्ट इसमें कलेक्ट होगी आप उसको यहाँ से क्लीन कर सकते हैं इस जिप के थ्रू भी। और ये इसके लॉक्स हैं जिसके बारे में आपको बताया गया है। तो ये भी आप इसको ये कह सकते हैं कि ये 2 in 1 इसमें फीचर्स दिया गया है। मज़ीद अगर इसको साइड पे किया जाए, बॉक्स को मज़ीद देखा जाए, तो बॉक्स के अंदर हमें कार्बन्स दिए गए हैं। ये आप जिस कार्बन्स के हवाले से आपको बताया गया था कि ये एक लंबे अरसे के बाद जब ये काम प्रॉपर काम नहीं करेगा तो ये कार्बन्स को आपने चेंज करना है। तो ये कार्बन इसके साथ दिए जाते हैं एक पीस। अदरवाइज इन कार्बन्स को आप मार्केट से भी बहुत ही आसानी से ले सकते हैं, जिनकी प्राइस भी इतनी ज़्यादा नहीं होती। तो आप इन कार्बन्स को मार्केट से भी ले सकते हैं इसके बाद। तो ये 2 कार्बन्स हैं, दोनों दोनों साइडों पे इसके इंसर्ट किए जाते हैं। इनको ओपन करके फिर इनको रख के और टाइट कर देना होता है। तो ओवरऑल ये जो ब्लोअर है बहुत ज़बरदस्त है, कंपनी बहुत ज़बरदस्त है, इसकी क्वालिटी, इसकी ओवरऑल इसके स्पेसिफिकेशन बहुत ज़बरदस्त है। तो अगर इसके प्राइस के हवाले से बात की जाए, तो इस ब्लोअर की जो प्राइस है वो 2500, 2500 रुपीज़ का ये ब्लोअर है, जो कि प्राइस की एक रिजनेबल प्राइस है। और उसमें इसकी क्वालिटी और इसकी फीचर्स और इसकी जो ओवरऑल लुक और हर चीज़ है बहुत ज़बरदस्त है। तो ये तो था आज का हमारा इस इलेक्ट्रिक ब्लोअर का रिव्यू, इसके अनबॉक्सिंग और इसका रिव्यू। उम्मीद करते हैं आपको ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ दिए हुए बेल आइकन को दबा के उसमें नोटिफिकेशन को ऑल कर लें, ताकि आपको हमारी वीडियो पे, हमारे चैनल पे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो इसी तरह मिलते हैं किसी नेक्स्ट प्रोडक्ट, किसी चीज़ के रिव्यू और अनबॉक्सिंग के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।